हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सट्राइड योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 21 और 22 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली गुस्तावो पेट्रो हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कैनेडा, जर्मनी, कोलंबिया, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलंबिया। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट कोलंबिया। तो कोलंबिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? कोलंबिया है साउथ अमेरिका में। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगाता। ऑफिशियल लैंग्वेज कोलंबिया की स्पेनिश है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट कोलंबिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में इंडिया की रैंक क्या रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड। फर्स्ट पे रहा है चाइना, सेकंड पे रशिया। द रिपोर्ट टाइटल रिन्यूएबल एनर्जी 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट वाज पब्लिश बाय REN21 मींस रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिलीज बाय ओकला इन जून 2022। जून 2022 में ओकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 115, 120, 125, 130। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 115। द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिलीज बाय Ocla show that India recorded 14.28 MB per second median mobile download speed in the month of May, slightly better than 14.19 MB per second in April 2022। तो जो speed test किया था Ocla ने, तो उन्होंने मई में रिकॉर्ड किया था 14.28 MB per second। उससे पहले अप्रैल में रिकॉर्ड किया था 14.19 MB पर सेकेंड, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल मंथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर बग्ची पर्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने बग्ची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की आधारशिला रखी? बेंगलुरु में, चेन्नई, कोची, सूरत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु। पीएम मोदी इनोग्रेट सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड लेज फाउंडेशन फॉर बग्ची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एट इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस। तो उन्होंने, पीएम मोदी जी ने हॉस्पिटल की भी फाउंडेशन रखी और ब्रेन सेंटर की भी फाउंडेशन रखी बेंगलोर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 47th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जून 2022। तो जून 2022 में GST परिषद की 47वीं बैठक किस शहर में होने जा रही है? जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, सूरत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीनगर। द 47th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल विल बी हेल्ड ऑन June 28 and 29, 2022 इन श्रीनगर। तो 28 और 29 जून को GST काउंसिल मीटिंग होगी श्रीनगर में। द GST काउंसिल इज चेयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो इसे चेयर कौन करेंगे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इसे चेयर करेंगे। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट द GST काउंसिल मीटिंग इज़ बीइंग हेल्ड इन श्रीनगर। तो ये दूसरी बार होने जा रही है, पहली बार तो नहीं है, ये दूसरी बार हो रही है GST काउंसिल मीटिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द ऑनगोइंग कोर्टेन गेम्स इन फिनलैंड। तो फिनलैंड में चल रहे कोर्टेन खेलों में किसने स्वर्ण पदक जीता है? मीराबाई चानू, प्रमोद भगत, जूलियन बेवर, नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल एट द कोर्टेन गेम्स इन फिनलैंड आफ्टर रजिस्टरिंग ए थ्रो 86.69 मीटर ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट।
तो उन्हें 86.69 मीटर जैवलिन थ्रो फेंकर ये गोल्ड मेडल जीता है। रिसेंटली नीरज चोपड़ा ऑल्सो सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड एट दी पावो नुर्बी गेम्स इन फिनलैंड। तो उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था 89.30 मीटर की जैवलिन थ्रो फेंकर, ये उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है फिनलैंड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। जैसे सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 जून। टू रेज अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑफ द मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। तो वर्ल्ड वाइड अवेयर करने के लिए, इसके बेनिफिट को बताने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इस ईयर की थीम क्या रही? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 जून। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। तो किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, कार्लो सैनिज, सर्गियो पेरेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपन। फर्स्ट रन अप कौन रहे हैं? कार्लो सैनिज एंड लुइस हैमिल्टन केम एट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। तो सेकंड रनर रहे हैं आपके कार्लो सैनिज और थर्ड पे लुइस हैमिल्टन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट एट विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट। तो किस संस्थान के विज्ञापनों के एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास, एम्स दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने इसको डेवलप किया है। इट विल अलो एस्ट्रोनॉट टू परफॉर्म योगा इन स्पेस। इट विल हेल्प एस्ट्रोनॉट स्ट्रेंथन मसल एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ बोन डेंसिटी मिनरल्स। ये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में योग करने की अनुमति देगा। ये अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों को मजबूत करने और असित गंडम खनिजों के नुकसान को रोकने में मदद करेगा ये सूट। दिस इज इंडिया फर्स्ट बॉडी सूट फॉर एस्ट्रोनॉट एंड विल इंक्रीज देयर वेट बाय मोर देन 70% इन स्पेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लोटिंग। तो यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भारत का पहला बॉडी सूट है और उन्हें तैरने से रोकने के लिए अंतरिक्ष में उनका वजन 70% से अधिक बढ़ जाएगा। इससे जे बेनिफिट होगा बॉडी सूट से। आज का सेशन हमारा बस इतने तक ही था। अगर आपके लिए वीडियो 1% भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।